ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে ইস্তেহার প্রকাশ করেছে বিজেপি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রায়পুরের বিজেপির কার্যালয়ে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন। অমিত শাহ বলেন, নির্বাচনী ইস্তেহার আমাদের জন্য একটি রেজলিউশন লেটার। ছত্তিশগড় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এই রাজ্যকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা। আমরা ছত্তিশগড়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। 15 বছরে ছত্তিশগড় অসুস্থ রাজ্য থেকে একটি ভালো রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এখন আবার নির্বাচন এসেছে, ছত্তিশগড়ের মানুষ পরিবর্তন আনতে চলেছে। আমরা ছত্তিশগড়কে সম্পূর্ণ উন্নত রাজ্যে পরিণত করতে কাজ করব। ছত্তিশগড়কে নকশালবাদ থেকে বের করে আনার কাজ করেছে বিজেপি। ছত্তিশগড় এমন রাজ্যে পরিণত হয়েছে যেখানে MNREG এর অধীনে 150 দিনের কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ল্যাপটপ ও ট্যাব দেওয়ার কাজ করা হয়। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। छत्तीसगढ़ के कई दुर्गम क्षेत्रों को नक्सलवाद के कहर से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पोषण की गारंटी देने वाला समग्र देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला भी सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। समग्र देश में मातृत्व के अवकाश की परिकल्पना छत्तीसगढ़ राज्य ने सेट की। पंचायत चुनाव में माताओं बहनों को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छात्रों को निशुल्क लैपटॉप टैबलेट देने का प्रारंभ हुआ और एक छत्तीसगढ़ बिजली के अकाल से हमेशा पीड़ित था, वो पावर सरप्लस स्टेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। এই দিন বিজেপির ইস্তেহারে ঘোষণা করা হয়েছে যে ক্ষমতায় আসলে ছত্তিশগড়ের জন্য 500 টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে। রামলালা দর্শন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের আদলে ছত্তিশগড় শক্তিপীঠ করে তোলার ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়ন যোজনা শুরু করা হবে। বিবাহিত মহিলাকে বার্ষিক 12,000 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 2 বছরে 1,00,000 সৈন্যপদে নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছে। कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदेंगे और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय किया। 1,00,000 खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। हम प्रत्येक परिवार को 5,00,000 की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10,00,000 तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलल्ला के दर्शन के लिए रामलल्ला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे रामलल्ला के दर्शन के लिए।
हूं कि हम सब भी जब भी चुनाव में आते हैं हमारा हिसाब लेकर आते हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार आपकी बनाई हुई नई सरकार का हिसाब किताब लेकर आपके सामने आएगी, ये वादा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, आरई न्यूज़।